नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है मार्च महीने के मासिक राशिफल। मैं लग्न के हिसाब से ये एपिसोड बनाता हूं। आप इसे लग्न से देखेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, राशि से भी देख सकते हैं, पर लग्न से देखना ज्यादा शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि लग्न से कुंडली को पढ़ने का नियम अलग है, राशि से कुंडली को पढ़ने के नियम अलग होते हैं। आज आखिरी की चार लग्ने धनु, मकर, कुंभ और मीन की चर्चा मैं कर रहा हूं। इससे पहले दो एपिसोड में मैं बाकी की लग्ने दे चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूंगा, जिससे आप उनको भी देख सकें अगर देखना चाहें तो। थोड़ा ये जान लेते हैं पहले कि क्या क्या परिवर्तन इस पूरे महीने में ग्रह में हो रहे हैं, फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो जो पहली घटना हो रही है वो यह है कि कालसर्प दोष की। 1 तारीख से लेकर 5 मार्च तक कालसर्प दोष रहेगा, उसके बाद 17 से 31 मार्च तक भी कालसर्प दोष रहेगा। करीब 20 दिन तक कालसर्प दोष इस महीने में रहेगा, 31 दिन के मार्च में 20 दिन कालसर्प दोष। दूसरी घटना, सूर्य 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, तदुपरांत महीने के आखिर तक मीन राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। मंगल 1 तारीख से 21 मार्च तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में अपना भ्रमण करेंगे। शुक्र 1 तारीख से 28 तारीख तक मेष में रहेंगे, उसके बाद वृषभ राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। गुरु 1 तारीख से 29 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वक्री हैं। तो धनु लग्न की स्थिति यह रहेगी कि लग्न में ही बृहस्पति स्वग्रही हैं, इसलिए हंस महायोग का निर्माण हो रहा है गोचर में, ये शुभ है, इसमें कोई खराब स्थिति नहीं। और मंगल पंचमेश हैं इसलिए शुभ हैं, पर द्वादशेश हैं इसलिए थोड़े से अशुभ हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी आपका मान सम्मान आपकी पोजीशन ठीक है, पर थोड़ी बहुत भागदौड़, थोड़ी बहुत फिक्र, थोड़ी बहुत चिंता भी रह सकती है। तो स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं जिसमें आपका पाचन तंत्र है, आपके मसल्स हैं, जॉइंट्स पेन है, ऐसी कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं, बाकी बहुत कुछ फर्क नहीं। आप मौसमी बुखार जैसी कुछ बातें मान लीजिए, पर अधिक कुछ गड़बड़ होने की उम्मीद नहीं है। कुटुंबजनों के साथ तालमेल, आपका व्यवहार, आपकी बोली भाषा का इम्पैक्ट बड़ा सुंदर रहने वाला है, इसमें भी कोई समस्या देखने में नहीं आई। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल की स्थितियां भी बड़ी शुभ रहने वाली हैं, उनका सहयोग, उनका प्यार, उनके साथ तालमेल बना रहेगा, इसमें भी कोई आपको दिक्कत देखने में नहीं आएगी। वहां सूर्य बैठते हैं, जो 15 दिनों तक तो उसी राशि में बैठे रहेंगे, उसके बाद अपनी राशि बदलेंगे 15वें दिन से, 14 दिन बैठे रहेंगे, तो जो स्थिति बनेगी वो थोड़ी सी खराब होगी भाग्य के एंगल से, लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थिति नहीं है, लगभग ठीक है। तो भाइयों के साथ तालमेल, आपको आपकी की हुई मेहनत का फल, कुटुंबजनों से सहयोग और स्वास्थ्य की लगभग मोटी बातें ठीक है। चौथे घर पर शनि और मंगल दोनों की पापी दृष्टियां पड़ रही हैं, शनि की तीसरी, मंगल की चौथी। इसका जो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी रूप में चिंता बनी रहेगी, लेकिन माता जी के यहां सुख स्वामी भी बृहस्पति बनेंगे, इसलिए बहुत फिक्र की बात तो नहीं है, पर थोड़ा तनाव, थोड़ा मन को लेकर के तनाव, थोड़े मकान वाहन अपनी उच्च शिक्षा को लेकर के भी तनाव, थोड़ा बहुत यात्राओं के संबंध में भी तनाव देखने में आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ सोच समझ के यात्राओं की प्लानिंग और तैयारियां करने की जरूरत पड़ेगी। संतान पक्ष की स्थिति सुदृढ़ है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि का सुख प्राप्त हो रहा है और त्रिकोण का स्वामी लग्न में बैठ करके एक राजयोग जैसा निर्माण कर रहा है, अच्छी स्थिति, संतान को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन शुक्र जो वहां विराजमान है वो श्रेष्ठ भी है, इसके कारण ये होगा कि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की दिक्कतें संतान की तरफ से देखने में आ सकती हैं, यानी आपकी संतान को हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स आए ये संभावना हो सकती है। थोड़ी बहुत पढ़ाई की क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो ये भी देखने में आ सकता है। जो लोग एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं या बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, उसके लिए उन्हें सजग रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की स्थिति लगभग ठीक है, शत्रु पक्ष की स्थिति ठीक है, कर्ज की स्थितियां भी ठीक ही हैं, ऐसी कोई बहुत खराबी की बातें यहां पे नहीं। पत्नी के साथ तालमेल को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, क्योंकि वहां राहु बैठते हैं और वो भी अपनी उच्च राशि में,
इसके कारण छोटी मोटी दिक्कत देखने में आ सकती है। अब राहु सप्तम भाव में बैठ भी रहे हैं और सप्तमेश बुध पर भी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, इसके कारण ऐसी संभावना है कि उन पत्नी के साथ वाद विवाद ज्यादा हो, बहस हो, जिनको पहले से ही कुंडली में कुछ ऐसे खराब योग हैं या वाइफ के साथ तालमेल की दिक्कतें हैं, उन्हें और ज्यादा भी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। थोड़ी सावधानी बरतना आपके लिए अच्छा होगा। खर्चों की स्थिति, व्यर्थ की भागदौड़ की स्थिति, व्यर्थ के पैसे ब्लॉक होने की स्थितियां थोड़ी ज्यादा बनेंगी। 12-13 मार्च और 21-22-23 मार्च ये 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें व्यर्थ की भागदौड़ हो, पैसा खर्च हो, पैसा ब्लॉक हो या किसी को दें तो उस पैसे की प्राप्ति होती हुई ना दिखाई देती हो, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। भाग्य की स्थिति लगभग पूरे महीने अच्छी है, पर पहले 15 दिन ज्यादा अच्छी है, अगले 15 दिन साधारण अच्छी है, कोई खराबी नहीं। पिता के साथ तालमेल, उनके स्वास्थ्य की स्थितियां, ये सभी चीजें यहाँ पे बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी। जीवन स्तर की बात करते हैं, स्टेटस पोजिशन की बात करते हैं, थोड़ी एवरेज एवरेज हालत है, कोई बुराई नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा योग यहां बनता हुआ नहीं दिखता। आमदनी का योग अच्छा है, सुंदर है, इनकम के इम्प्रूव होने की पूरी पूरी गुंजाइशें बनेंगी। अब बात करते हैं खर्चों की। जो खर्चों के घर का स्वामी उन लगन में बैठता है, इसका मतलब स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ पैसा खर्च करना है, चाहे वो बच्चों के नाम पर करना पड़े, अपने लिए करना पड़े, माता जी के लिए, पिताजी के लिए करना पड़े, पर हेल्थ के मुद्दे पर किसी न किसी रूप में डॉक्टर पर आपकी इन्वेस्टमेंट इस दौरान बढ़ेगी। तो ये धनु के लिए पूरे मार्च महीने की एक बातचीत हमने कर ली है। अब बारी आई मकर की। मकर लगन में शनि का राजयोग बनाकर शशक महायोग का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य, हेल्थ, व्यक्तित्व, सेहत बिल्कुल ठीक, इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। कुटुंबजनों के साथ तालमेल की स्थितियां भी अच्छी, लेकिन भाषा का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव साइड जाएगा, थोड़ी कठोरता बढ़ेगी, जाने अनजाने कुटुंबजनों से कटुता बढ़ सकती है। तो आपको अपनी भाषा शैली या भाषा के वेग को संभालना सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो इस महीने में आपके वाद विवाद आपके कुटुंबजनों के साथ देखने में आ सकते हैं, जिसके थोड़े बहुत खराब परिणाम आपको देखने में भी आएंगे। आंखों की कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, गले की भी थोड़ी बहुत समस्याएं यहाँ पे बढ़ती दिखाई देती हैं। इनकी कुंडली में जो कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है वो 6ठे घर से 12वें घर में गिना जा रहा है। ये भी कोई खराब स्थिति नहीं है, इसका भी कोई बहुत दुष्परिणाम होता हुआ इन्हें नहीं दिखाई देगा, ना के बराबर कालसर्प दोष अपना असर करेंगे। प्रयासों की बात करते हैं तो भाई बहनों के साथ तालमेल की स्थितियां एवरेज रहने वाली है, ज्यादा अच्छी नहीं है। शनि की भी वहां पे पूरी दृष्टि पड़ती है, मंगल की दृष्टि पड़ती है, इसलिए अपनी भाषा के वेग के कारण कुटुंबजनों के साथ तो बिगाड़ ही रहे हो, भाई बहनों के साथ भी थोड़ी सी बिगड़ेगी। आपको अपनी की हुई मेहनत का फल थोड़ा देर से प्राप्त हो सकता है, इसके लिए भी आपको थोड़ी सजगता की आवश्यकता पड़ेगी। सुखों के घर का स्वामी, मां के घर का स्वामी, वाहन, हायर एजुकेशन 12वें घर में बैठ रहा है, इसके कारण ये स्थितियां बनेंगी कि थोड़ा तनाव मन को किसी न किसी रूप में बराबर बना रहेगा, थोड़ी चिंता बनी रहेगी, अकेलेपन का एहसास देखने में आ सकता है, थोड़ी उदासी भी देखने में आएगी। ये पूरे महीने लगभग ऐसा रहेगा, आखिरी के 2-3 दिन में थोड़ा सुधार हो जाएगा, लेकिन लगभग ऐसा ही बना रहेगा। इसके बाद संतान पक्ष की स्थितियों की बात करते हैं तो ठीक है, पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चला गया है और केंद्र त्रिकोण का योग बना, स्थितियां ठीक है, लेकिन अपने से 12वें जाने के कारण थोड़ा बहुत तनाव यहां भी देखने में आ सकता है। कोई बहुत दिक्कत नहीं है, पर छोटी मोटी समस्याएं, जनरल प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती है, विचार मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। बात आती है 6ठे घर पे राहु बैठते हैं, किसी भी शत्रु को आपके सामने उठने नहीं देंगे, किसी तरह का कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको हारने नहीं देंगे, तो एक अच्छा योग पूरे महीने के लिए रहेगा कि कोई आपका सामना नहीं करेगा। आपकी कठोरता कह लीजिए, आपकी भाषा का प्रभाव कह लीजिए, लेकिन शत्रु आपका सामना नहीं करेंगे। कुटुंबजन बेशक नाराज हो जाएं, परिवार वाले बेशक नाराज हो जाएं, पर शत्रुओं की हिम्मत नहीं होगी कि आपका सामना करें। पत्नी के साथ की जो स्थितियां हैं वो कई बार यहां खराब होती हुई दिखाई देगी, आपसी तालमेल को लेकर दिक्कतें आएंगी। 8 और 9 मार्च को भी वाइफ के साथ खींचतान या अपने पति के साथ खींचतान, जो महिलाएं देख रही हैं उनके लिए, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ यहां थोड़ी दिक्कतें देखने में आएंगी। 8 और 9 मार्च को, 14, 15 और 16 मार्च को, 17, 18, 21, 22, 23
इतने सारे दिन ऐसे हैं जिसमें आपसी तालमेल में दिक्कतें आएंगी, इसको थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। भाग्य की स्थिति बिल्कुल एवरेज रहने वाली, कोई बहुत अच्छा सुख यहाँ भाग्य के हिसाब से नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भाग्य की पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं वो अपने से छठे घर में बैठ रहे हैं, उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं है। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां भी ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी, तो थोड़ा अधिक प्रयास आपको करना है, भाग्य का सहारा कम मिलेगा, अपनी मेहनत अपने बाहुबल के दम पर ही आपको ये परिणाम निकालने की जरूरत पड़ेगी। आमदनी के नए सोर्सेज डेवलप होने की उम्मीदें ना के बराबर है, जो चल रहे हैं उसमें भी कुछ कमी देखने में आ जाए ऐसा हो सकता है, और खर्चे बहुत ज्यादा हो, भागदौड़ बहुत ज्यादा हो ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो कुल मिलाकर मकर वालों के लिए कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस महीने में आती हुई नहीं दिखाई देती। कुंभ लग्न से शुरू करते हैं। लग्नेश बारहवें घर में सौग्रही होकर के बैठे हैं, और इस कुंडली में जो कालसर्प दोष का निवारण है वो पांचवें से ग्यारहवें भाव में अच्छा नहीं है। कालसर्प दोष का जो भी दुष्परिणाम मिलना संभव है वो थोड़ा जरूर मिलेगा, ठीक है, वहां पे बृहस्पति की भी बुरी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी कालसर्प दोष का कुछ दुष्परिणाम यहां स्पष्ट रूप से आएगा, संतान की तरफ से, डाइजेशन की तरफ से, पढ़ाई लिखाई की तरफ से, विचार फैसले लेने की ताकत सभी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ाएगी, इसका नुकसान साफ साफ देखने में आएगा, ये शुभ स्थिति नहीं। लग्न में सूर्य बैठते हैं वो भी शत्रु राशि में, ये भी शुभ स्थिति नहीं है। आंखों से संबंधित सिरदर्द जैसी कुछ समस्याएं, गुस्सा, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की भागदौड़ देखने में आ सकती है। तो कुंभ के लिए अभी तक ये स्थितियां कोई खास शुभ नहीं बैठ रही है। पैतृक संपदा की बात करें तो एवरेज है, कुटुंबजनों से तालमेल की बात करते हैं तो वो अच्छा है, उनके साथ व्यवहार कुशलतागत करते हैं तो वो भी कुछ हद तक ठीक है, इसमें समस्या नहीं। छोटे भाई बहनों से तालमेल, आपके किए हुए प्रयासों के फल मिलने की उम्मीद ठीक है, पर थोड़ी सी कम है, मतलब उतना अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे जितने आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको थोड़े अधिक प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। भाग्य की स्थिति पूरे महीने लगभग बहुत अच्छी बनी रहेगी, यानी भाग्य तो आपका साथ दे रहा है पर आपकी मेहनत शायद सही डायरेक्शन में नहीं होगी, इसलिए वो परिणाम निकालने मुश्किल होंगे जो आप उम्मीद कर रहे हैं, तो अपेक्षित फल प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा अधिक प्रयास करना ही होगा। अब बढ़ते संतान की स्थितियों की बात करते हैं, तो राहु के कारण अच्छा योग नहीं है, फैसले प्रॉब्लम, तनाव, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की साथ एडजस्टमेंट की दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठते हैं इसलिए स्थितियां बहुत अधिक खराब नहीं हो सकती, पर थोड़ी दिक्कतें हैं जरूर आएंगी। शत्रु पक्ष हम पर कई बार हावी हो सकता है, 4 और 5 मार्च, 8 और 9 मार्च, 14, 15, 16 मार्च, ये ऐसी तारीखें हो सकती हैं, 21, 22 और 23 मार्च, इन सभी तारीखों में स्वास्थ्य को लेकर कोई छोटी मोटी समस्या देखने में आ सकती है, संतान की तरफ से कोई समस्या देखने में आ सकती है, शत्रु पक्ष के साथ भी कोई समस्या देखने में आ सकती है, पैसों का खर्च होना, ब्लॉक होना, व्यर्थ की भागदौड़ होना भी देखने में आ सकता है। तो ये थोड़ा ज्यादा समय है जो ज्यादा खराब चल रहा है। पहले 14 दिन जीवन साथी के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी हैं, इतनी खराब नहीं है, लेकिन आखिरी के 15 दिन वो स्थितियां भी बहुत खराब हो जाने वाली है। तो पारिवारिक जीवन में भी कटुता बढ़ रही है, संतान के साथ भी सुखों का योग कम है, अपनी सेहत को लेकर के भी समस्याएं हैं, और संतान को लेकर के भी थोड़ी समस्याओं की अभी हमने चर्चा कर ली। धन योग की स्थिति एवरेज है, मतलब सेविंग्स भी कोई खास अच्छी हो जाएंगी ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन भाग्य और पिता के साथ तालमेल का कुछ हद तक सहयोग ठीक बनता है, इसी का सहारा है, अन्यथा कुंडली में इस पर ज्यादा अच्छा कुछ आ नहीं रहा। अब बात आती है कि जो नए सिरे से आमदनी बनाना है, अपना रुतबा मेंटेन, ये अच्छा है, यानी सारी भागदौड़ का रिजल्ट तुरंत ना भी आए पर भविष्य में उसके कुछ शुभ परिणाम आपको देखने में मिले, इसकी पूरी संभावना है, इसलिए हमें प्रयास करने की कोशिश लगातार करनी चाहिए। इनकम के इम्प्रूव होने के, नए रास्ते खुलने की पूरी संभावना है, तुरंत ना भी होगी तो बाद में जरूर होगी। पैसा बहुत खर्च होगा, कुछ यात्राओं के नाम पर खर्च होगा, कुछ कोशिशों के नाम पर खर्च होगा, कुछ शो ऑफ के नाम पर खर्च होगा, दिखावे के लिए, घूमने फिरने के लिए खर्च होगा। तो कुल मिलाकर कुंभ लग्न वालों के लिए कोई बहुत सुंदर स्थिति नहीं है, सारा महीना थोड़ा खींचताना और तनाव का सा चलता दिखाई देता है। अब हमारी आखिरी लगन आ जाती है मीन लगन। मीन लगन में ये राहु का जो कालसर्प दोष है वो चौथे घर से बनेगा, ये भी शुभ नहीं है, इसके भी कुछ दुष्परिणाम देखने में आने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस घर पर पड़ रही है, इसलिए बहुत अधिक भयभीत होने के योग तो नहीं है पर थोड़ा खराब स्थितियां तो आएंगी।
लगन के स्वामी दशम भाव में बैठ करके हंस महायोग का निर्माण कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य की स्थितियां लमसम अच्छी हैं, सेहत व्यक्तित्व पर्सनैलिटी रुतबा अच्छा मालूम देता है, इसमें कोई समस्या नहीं। बोली भाषा भी संयमित रहने वाली है, कुटुंबजनों से तालमेल और प्यार का भी योग अच्छा मालूम देता है, यहां भी कोई समस्या नहीं। अपने भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां थोड़ी एवरेज है, थोड़ा देर से उनको आपकी बात समझ आएगी या आपको उनकी बात देर से समझ में आएगी, या कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप देखने में आ सकता है। आपको अपनी मेहनत का फल भी थोड़ा सा देर से मिल सकता है। मां के स्वास्थ्य को लेकर बाकायदा भागदौड़ तनाव देखने में आ सकता है। छोटी मोटी यात्राएं विदेश की देखने में आ सकती है। मकान खरीदने का या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं या बदलने का सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपको रुक जाना चाहिए, इस महीने नहीं करें, बाद में देखेंगे, अभी परिस्थितियां आपको फेवर नहीं कर रही। किसी न किसी रूप में तनाव बना रहेगा। जिनको थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर की शिकायत या हार्ट की समस्या है, उन्हें भी ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसका ख्याल रखना आवश्यक होगा। संतान पक्ष के साथ कई बार स्थितियां ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देंगी। आपके फैसले, आपके विचारशीलता, किसी भी मुद्दे पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके विचार कई बार इधर से उधर घूमेंगे, बाइफर्केटिव होंगे। 8, 9, 12, 13, 21, 22, 23 ये डेट्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको फैसले लेने के लिए सजगता की जरूरत होगी। संतान के पक्ष में अगर कोई फैसला लेने की बात है तो और दो बार जरूर सोचें, क्योंकि आपको बहुत फेवर नहीं हो रहा है। शत्रु पक्ष की स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है, जाने अनजाने वो अपर हावी हो सकते हैं, आपके लिए तनाव बढ़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, हेल्थ की छोटी मोटी दिक्कतें भी देखने में आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल की स्थितियां भी यहां पे खराब होती हुई साफ साफ दिखाई देती हैं। ऐसी कोई बहुत अच्छे होने की उम्मीद नहीं है, विचार ज्यादा मिलने की भी उम्मीद नहीं है। इस मुद्दे पे भी हमें सावधानी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम जमा पूंजी के हिसाब से बात करते हैं, अगर हम ऐसी प्लान करते हैं जिसमें समुद्री यात्राएं अगर हमें करनी है, कुछ इस तरह की बातें, तो वो स्थितियां ठीक है। उम्र को लेकर के कोई खास तकलीफ नहीं है, वो सब ठीक है। भाग्य की स्थिति एवरेज से अच्छी है, इसका मतलब यह है कि हमें हमारे प्रयासों के साथ साथ भाग्य की कृपा भी प्राप्त हो रही है, जिससे बहुत सारे काम बनते उसे लग सकते हैं। जीवन स्तर अच्छा है, स्टेटस में दिक्कत नहीं। आमदनी के नए नए सोर्सेस जरूर बनेंगे, ये एक जबरदस्त प्लस पॉइंट है, जिससे इनकम होगी तो बाकी सब समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन खर्चे भी बराबर बने रहेंगे, भागदौड़ भी बराबर रहेगी, तो जितनी आमदनी है उतने ही खर्चे, जितना मेहनत करके फल प्राप्त हो रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, जितना जोड़ पा रहे हैं उतना ही खर्च हो रहा है। स्थितियां घूम फिर कर कुल मिलाकर या तो बराबर या नेगेटिव साइड में। तो पूरे महीने की जो स्थिति है उसके बारे में हमने आकलन कर लिया। हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके संबंध में अगर आप कुछ कमेंट करके कहना चाहें तो कहें, कुछ विचार प्रकट करना चाहें तो कहें, कोई सुझाव देना चाहें तो दें, हमसे जितना संभव होगा उनका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9582113929। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।